हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बजाज चेतक की बुकिंग कहाँ पर स्टार्ट हुई है और कितने रुपए से आप इसको बुक कर सकते हैं और अब ये किन किन सिटी में अवेलेबल है। तो ज़्यादा वेट ना करते हुए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बजाज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर की बुकिंग सबसे पहले पुणे और बेंगलुरु में स्टार्ट किया गया था और 48 घंटे के अंदर ही इनको बंद करना पड़ा था क्योंकि इन पर काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रहा था, जिसके वजह से जो ये बजाज की कैपेसिटी से बाहर हो रहा था तब इनको बुकिंग को क्लोज करना पड़ा था। उसके बाद ये 16 जुलाई को नागपुर में अपनी बुकिंग को स्टार्ट किए, नए सिटी में स्टार्ट किए। अब वहाँ पे भी इनको अच्छा खासा रिस्पांस मिला, जिसके वजह से नागपुर में भी अभी जो बुकिंग है वो बंद कर दिया गया है। अभी जो बुकिंग चालू हुई है फिर से पुणे और बेंगलुरु में बुकिंग चालू हो चुकी है। तो अगर आपको इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को बुक करना है तो आप अभी जाके कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके बुक कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या वीडियो पर आप चेक कर सकते हैं www.chetak.com। इस वेबसाइट पर जाके आप बजाज की चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर को बुक कर सकते हैं। इसके लिए आपको 2000 रुपये का टोकन राशि अमाउंट पेमेंट करना होगा। तो दोस्तों, ऐसा तो आपको अब पता चल गया कि अब पहले जो था पुणे और बेंगलुरु था, अब नागपुर में स्टार्ट हुआ है। बट अभी जो अपडेट है और भी कई न्यू सिटी में भी इसको स्टार्ट किया गया है। आगे मैं बताने वाला हूँ किन किन सिटी में इसकी बुकिंग को स्टार्ट किया जाने वाला है, किन किन सिटी में इसके शोरूम या डीलरशिप आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। बजाज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर की सबसे पहले बुकिंग पुणे और बेंगलुरु से स्टार्ट की गई थी, बट ये 16 जुलाई को नागपुर में भी इसकी सर्विस को दिया गया, इसकी बुकिंग को लिया गया था। उसके बाद ये टोटल अब 8 सिटी में 8 शहरों में इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की बुकिंग को लिया जाता है। यहाँ पे आपको डीलरशिप देखने को मिलने वाला है। मैं नाम आपको एक बार बता देता हूँ, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं। पहला नंबर पे था पुणे, फिर सेकंड आया बेंगलुरु, उसके बाद नागपुर, फिर मैसूर, मैंगलोर, औरंगाबाद, चेन्नई और हैदराबाद। अब ये 8 सिटी में बजाज चेतक की बुकिंग को लिया जाएगा धीरे धीरे करके। मतलब ये जब भी ये एक जगह से बुकिंग को ओपन किया जाएगा उसके बाद वहाँ क्लोज होगा, तो अगले सिटी में इसकी बुकिंग को ओपन कर दिया जाएगा। तो ऐसा ही करते करते 8 सिटी में इस बाइक को ओपन, इसकी बुकिंग को लेने के लिए कंपनी तैयार हो चुकी है। यहाँ से आप अगर आप इन 8 सिटी से हैं तो इस बाइक, इस स्कूटर को ले सकते हैं। और कंपनी ने कहा है कि 2022 तक वो और 22 शहरों में अपनी इस सर्विस को देने वाली है। मतलब आने वाले 2022 तक आपको 22 शहर में बजाज चेतक की बुकिंग को कर सकते हैं, बजाज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर को ले सकते हैं। बजाज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर शानदार लुक वाली एक स्टाइलिश स्कूटर है। चेतक कंपनी के फर्स्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसे लास्ट ईयर में लॉन्च किया गया था। इलेक्ट्रिक स्कूटर चेतक 2 वेरिएंट में उपलब्ध है, इंट्री लेवल अर्बन वेरिएंट और टॉप एंड प्रीमियम वेरिएंट। चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर का मुकाबला मुख्य रूप से TVS iQube, Ather 450X जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटर से है। स्कूटर में दिए गए खास ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की वजह से रियर व्हील को पावर मिलता है। चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर की 3 kWh लिथियम आयन बैटरी पैक मिलती है। फुल चार्जिंग के बाद यह स्कूटर इको मोड में 95 किलोमीटर की रेंज और स्पोर्ट मोड में 85 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। हालांकि यह रेंज अलग अलग ड्राइविंग स्टाइल और रोड की स्थिति पर निर्भर करती है। इस स्कूटर की बैटरी को फुल चार्ज होने में करीब 5 घंटे लगते हैं और फास्ट चार्जिंग सिस्टम की मदद से इसकी बैटरी को सिर्फ 1 घंटे में 25% तक चार्ज किया जा सकता है। बजाज के मुताबिक चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी लाइफ 70,000 किलोमीटर या 7 ईयर तक है। इस बैटरी पर कंपनी 3 साल या 50,000 किलोमीटर तक की ही वारंटी दे रही है। बता दें कि यह वारंटी सिर्फ फर्स्ट ओनर रजिस्टर्ड के लिए ही है। अगर आप इस स्कूटर का इस्तेमाल कमर्शियल यूज के लिए करते हैं तो आपको इसमें वारंटी नहीं दी जाएगी। बजाज ऑटो ने हाई डिमांड के कारण 13 अप्रैल को बुकिंग स्टार्ट होने के 48 घंटे के अंदर ही चेतक की बुकिंग को रोक दिया था। बुकिंग को बंद करने से पहले ही कंपनी ने ये ऐलान भी कर दिया था कि वो अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर चेतक की दाम में बढ़ोतरी करने जा रही है। चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर की पिछली कीमत की तुलना में करीब 27,000 रुपये का इजाफा हुआ है। कीमत बढ़ोतरी के बाद अब इसकी पुणे में एक शोरूम कीमत 1,42,998 रुपये है। इससे पहले भी बजाज चेतक की जो प्राइस है उसको इंक्रीज किया गया था मार्च 2021 में, उस टाइम 5,000 रुपये इस इलेक्ट्रिक स्कूटर पर बढ़ाया गया था। अब वहीं बात करें इन दोनों वेरिएंट जो है उसकी पुणे में एक शोरूम कीमत कितनी है, तो बजाज इलेक्ट्रिक स्कूटर चेतक की जो अर्बन वेरिएंट है पुणे में उसकी एक शोरूम कीमत 1,42,998 रुपये, जो टॉप एंड वेरिएंट प्रीमियम सेगमेंट की इलेक्ट्रिक स्कूटर है उसकी पुणे में एक शोरूम कीमत 1,45,000 रुपये है। आपको टॉप एंड वेरिएंट और जो इसका अर्बन वेरिएंट है उसमें और इसमें 3,000 रुपये का फ़र्क देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, बजाज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ
आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वरना आपकी मर्ज़ी है, आप सब्सक्राइब कीजिए नहीं कीजिए, बट सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको और इस चैनल पर नए नए कंटेंट वाला वीडियो देखने को मिलने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राइड विथ बाइक।